मैं अपने से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं इस बैठक में आया था, बैठक के दौरान सोचा कुछ बोल के जाऊँ। आपके पूर्वी के अभी विधायक जो हमारे सरजू रह गए हैं, उनके बारे में सब चिंतक हूँ थोड़ा बहुत। खास करके उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आया हूँ अपने बीच में, और उस बात को भी मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के जनता के सामने जन जन तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि हमारे सरजू राय जी झारखंड प्रदेश के एक अपने आप को ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता बताने वाले, इनसे भ्रष्ट और इनसे करप्ट इस धरती पर कोई नेता हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लगातार जब से हमारा ज्ञान है, और हमें राजनीतिक क्षेत्र का भी ज्ञान है, सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान है, धार्मिक क्षेत्र का ज्ञान है, कभी भी धर्म और सत्य पर चलने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। सदैव अधर्म और पाप के रास्ते पर चलकर सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को परेशान करने का काम किया है इन्होंने, और इसका जवाब बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द जेल भी जाएंगे, इसका बहुत जल्द आपके सामने इनका सच्चाई सामने आएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने लगातार जब से राजनीतिक क्षेत्र में कदम इन्होंने डाला होगा, तब से लगातार ओबीसी, दलित, गरीब, पिछड़ा, बनिया वर्ग के लोगों के पीछे लगातार ही पड़ा है। तो इसका जीता जागता उदाहरण आप जमशेदपुर में भी देखे होंगे, रांची में भी देखे होंगे, धनबाद में भी देखे होंगे, जहाँ जहाँ पे आर्थिक स्रोत कमाने के लिए इन्होंने लगातार वैसे व्यक्ति को परेशान करने का काम किया है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम किए। एक दिन भी आप एक भी स्टेटमेंट इनका अपने जीवन काल में दिखा दीजिए, यहाँ के बड़े बड़े माफिया झारखंड में एक से एक बड़े बड़े माफिया है, जिनका काम ही हत्या करना, रंगदारी वसूलना, मर्डर करना, लूट करना, बड़े बड़े घटना का अंजाम देना, वैसे लोगों के खिलाफ कभी भी आज तक इनकी क्षमता ही नहीं हुआ कि वैसे लोगों के खिलाफ हम कभी जवाब दें या वैसे लोगों को हम कैसे सजा दिलवाएं। इस पर कभी भी इसका विचार ही नहीं रहा, इनका विचार वैसे लोगों पर बना रहा जो गरीब के लिए काम करना, दिन रात सहयोग करना, लोगों के सुख दुख में काम करना, दुख में मदद करना, वैसे लोगों के पीछे लगातार ये पड़ा रहा। आने वाला समय इनका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम चुनाव के समय में हमारे जितने भी हर समाज के लोग के साथ साथ, खास करके ओबीसी, बनिया वर्ग, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित लोग ने इनका असली चेहरा को देख चुका है, समझ चुका है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका सबक सिखाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक से समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा इंसान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आदमी होना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करना, व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना, ये व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सिर्फ काम किया है। इसलिए इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं इन्हें चुनौती देता हूँ, ये तो बोलते हैं झारखंड के बहुत ईमानदार और निष्ठापान नेता हैं, ये तो वहाँ से भागे धनबाद से मैंने चुनौती दिया था कि धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छा जाहिर किए थे, हमने तो स्वागत किया था इनको, मगर इन्होंने हिम्मत जुटा नहीं पाई। भ्रष्ट व्यक्ति वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए काम करते हैं, ये कारपोरेट लोगों को भी ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं, बड़े बड़े अपने एक भी जनहित का मुद्दा कभी इन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति के खिलाफ पीछे पड़ना, बड़े बड़े काम फैक्ट्री के पीछे पड़ना, बड़े बड़े कल कारखाना के पीछे पड़ना, कभी एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए, जमशेदपुर, झारखंड, धनबाद में कहीं उद्योग लगना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया होगा। मैं भी लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से तीन तीन बार विधायक रहे, वर्तमान में आप लोगों की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से धनबाद से हम सांसद बने, और इतनी कम उम्र में लगभग 48 ईयर्स हो रहा मेरा, और तीन तीन बार विधायक बन गए और सांसद बन गए यार। इन्होंने तो पूरा जीवन अपना लास्ट अंतिम है, अगर कब्र पर इनका पैर जाने वाला है, उसके बाद भी गलत और पाप करने के लिए छोड़ा नहीं। इसलिए मैं क्षेत्र के तमाम जनता झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमशेदपुर कहाँ से लड़ेंगे, उन सभी तमाम भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे दुष्ट को सर्वनाश होना चाहिए, नाश होना चाहिए, और ऐसे लोगों को जवाब जरूर अब मिलेगा। हम उनके उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो कार्यशैली रहा है, राजनीतिक जीवन जो उनका रहा है, वो मैं आप लोगों के बीच में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, मगर जो गलत आदमी उसका तो विरोध किया, बड़े बड़े माफिया का विरोध हमने किया, लगातार गुंडा और माफिया के खिलाफ तो ढुल्लू में तो लड़बे किया है,
और ये भी माफिया का संरक्षक है, ये बड़े बड़े माफिया के खिलाफ आज तक एक आवाज़ दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट आप लोग दिखाइए हमको। आप लोग से भी बहुत बार रूबरू हुए होंगे, एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जो हत्या करने वाले के खिलाफ कभी बोला हो, रंगदारी मांगने के खिलाफ बोला हो, किडनैपिंग कोई किया उसके खिलाफ बोला हो, बड़े बड़े गुंडे लोग के खिलाफ कभी ये आवाज़ उठाया हो, दिखा दीजिए एक स्टेटमेंट। इनको ओबीसी के साथ हम सभी वर्गों से आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए जो सिर्फ और भ्रष्ट और करप्टेड है। इनसे बड़ा भ्रष्ट और करप्टेड कोई नहीं है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे, और इसका विरोध होना चाहिए, इसको राजनीतिक समाप्त होना चाहिए। और इनका और अगला बार आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, इनका और काला चिट्ठा हम दिखाएंगे आपको, आप लोगों के बीच में जरूर हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, ऐसे भ्रष्ट आदमी का खुला चेहरा चरित्र इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे लोग सिर्फ यह चुनाव स्वार्थ के लिए जीतता है, क्या बोलता है, मुद्रा मोचन करने के लिए जीतता है। देखिए अभी क्या हो रहा नहीं हो रहा तो आगे वाला समय बताएगा ना, टिकट कैसे आप बोल दीजिए मिल गया, तो ऐसे भ्रष्ट आदमी को टिकट मिलना ही नहीं चाहिए, और मिला भी है तो यहाँ की जनता उसको जवाब देगी। टिकट दिया नहीं दिया, पार्टी दिया हमने, उसको जवाब मिलना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट नेता राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए, मुद्रा मोचन करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, गरीब शोषित पीड़ित ओबीसी बनिया वर्ग के लोगों को तबाह करने के लिए ऐसे लोग चुनाव में जीतना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग आएंगे नहीं। अब समझ चुके हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा चरित्र पूरे झारखंड के लोगों ने समझ चुका है। अभी देखिए धनबाद में एक से एक हत्या हुआ, धनबाद में आप देखते हैं आए दिन हत्या होता, एक भी स्टेटमेंट इनका दिखा दीजिए। ये माफिया गुंडे लोग का संरक्षक है, उनसे भी पैसा मिलता है, जो क्राइम करता है, बड़ा बड़ा क्राइम होता है, मर्डर होता है, किडनैपिंग होता है, उससे भी पैसा लेने वाले लोग हैं। इसका जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ जब बोला ही नहीं है तो इसका मतलब हम सोचेंगे साथ घट जरूर होगा। इनका क्वालिटी निकालिए, देखिए सर बड़े बड़े माफिया गुंडा लोग से इनका संपर्क होगा, ये जाँच के परिणाम सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम खुलासा करेंगे, क्या उसका कुछ प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण के साथ आएंगे? हम आगे थोड़ा हम प्रमाण के साथ आएंगे भैया, कुछ एक मामला तो बताइए। नहीं वो आप सामने आएंगे, दूसरे टर्म में आएंगे, अभी हम लोग बैठक किए हैं हम लोगों को, अब वो समय बताएगा, समय बताएगा।